अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। ये मैं अपने बच्चों के लिए पराठा फ्राई कर रही थी। शाम को वो लोग ट्यूशन से आएंगे तो उनको पराठा रोल बना के दूंगी। साथ में बस ये फलसे का जूस बना रही थी, ठंडा ठंडा। आजकल फलसों का जूस बहुत अच्छा लगता है आपको, जैसे कि पता है फलसे आजकल बहुत आए हुए हैं। कल मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो बच्चों के लिए गोला कबाब लेकर आई थी, ताकि ये आज मैं इनको पराठा रोल बना के दे सकूँ। साथ में ये चटनी बची हुई थी, मायोनीस, ये सब कुछ डाल के मैंने इनको ये यम्मी सा पराठा रोल बना के दिया। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा यकीनन। और ये मैं अपना लेके बैठ गई हूँ, फलसे का जूस और पराठा रोल मैं इंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे बच्चों का ज़ैनब और अयान का प्यारा से एक कॉर्नर है, उन्होंने इसको टेडी वगैरह अपने सारे यहाँ रखे हुए हैं। और आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूं। हम लोग शुरू से ही सुनते आए हैं कि भाई हमें वाइब्स आती हैं जब मतलब कि हिचकियाँ, तो शायद हमें कोई याद कर रहा है या वो परेशान है। तो मैंने अक्सर लोगों से फिर ये सुना कि भाई ये पता चल जाता है कि हाँ वो बंदा परेशान है, ये नहीं पता चलता कि वो क्यों परेशान है। कभी कभार कोई आपको ट्रीट दे, पार्टी दे या ना दे, आपका खुद ही दिल चाहता है कि आप अपने आप को ट्रीट दें। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपने आप को ट्रीट दूं और अपने आप के लिए थोड़ा जीऊं, और जीना चाहिए अपने आप के लिए, वरना ये दुनिया कहाँ हमें जीने देती है। बस मैंने भी अपने आप के लिए जीना सीख लिया है, इस दुनिया के लोग हमें जीने नहीं देते। चलें, मैं अपना पराठा और जूस इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करें।